बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम तलबा और तलबात को। तालीमी मैदान में एक बड़ी और अहम अपडेट से आगाह करने जा रहे हैं। जी हां डियर स्टूडेंट्स, तमाम तलबा की एक मरतबा फिर से मौजें लगने जा रही है। तमाम तलबा और तलबात को अब तक की सबसे बड़ी खबर से आगाह करने जा रहा हूँ। तमाम तलबा फिर से तैयारी कर ले, छुट्टियों में इजाफे के हवाले से एक बड़ा फैसला सामने आ चुका है। तमाम तलबा और तलबात को अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से तमाम तलबा को आगाह करने जा रहा हूँ। जी हाँ, तमाम तलबा तैयारी कर लें छुट्टियों में इजाफे के हवाले से। तमाम तलबा के लिए बड़ा अहम फैसला सुना दिया गया है। तमाम तलबा को बड़ी अपडेट से आगाह करूंगा कि कौन से सूबे ने छुट्टियां बढ़ाने का फिर से बड़ा फैसला सुना दिया। तमाम तलबा को आगाह करेंगे और उसके साथ साथ तमाम बच्चों से गुजारिश है, अगर से आप तालीमी अपडेट से जो है वह बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। स्टूडेंट्स, बात करते चैनल, सर्दी में इजाफा हुआ और इसके साथ साथ मुसलसल ठंड बढ़ती जा रही है। मनफी जो है वह 6 लाख के अंदर और उसके साथ साथ दीगर इलाकों के अंदर, मरी के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, उसके साथ साथ दीगर इलाकों के अंदर भी जो है वो दर्जा हरारत में काफ़ी कमी आ चुकी है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, सर्दी मुसलसल बढ़ती जा रही है। तो तमाम तलबा के लिए एक नया जो है वो अपडेट सामने आ रही है। आज़ाद कश्मीर के अंदर तमाम तलबा के लिए 14 जो है वो फरवरी तक छुट्टियां बढ़ाने का बड़ा फैसला जो है वो सुना दिया गया। आज़ाद कश्मीर के अंदर 14 फरवरी तक तमाम तलबा को स्कूल और कॉलेजों में छुट्टियाँ देने का हतमी ऐलान कर दिया गया। तमाम तलबा को मुबारकबाद एक मरतबा फिर से।